त्योहार मनाने के लिए दूसरा तरीका खोज लीजिए। सुप्रीम कोर्ट से मनोज तिवारी को तगड़ा झटका, पटाखों पर बैन हटाने से इनकार। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। मनोज तिवारी के वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि हर तरह के पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने पटाखों पर पूर्णतः बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने पिछले साल अक्टूबर 2022 में दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएस बोपन और एमएम सुंदरेश की बेंच के सामने मनोज तिवारी के वकील ने कहा, ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने पटाखों को पूरी तरह से बैन कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को लेकर आदेश जारी किया हुआ है। मनोज तिवारी के वकील की दलीलों पर जस्टिस एएस बोपन ने कहा, स्थानीय स्तर पर अगर कहीं प्रतिबंध है तो फिर है, हम उस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप त्योहार और खुशी मनाने के दूसरे तरीके खोज सकते हैं। जस्टिस बोपन ने हल्के फुल्के अंदाज में आगे कहा, अगर फिर भी आपका मन है कि पटाखे फोड़े तो उन राज्यों में जाइए जहां पटाखे फोड़ने की इजाजत है। लोगों के लिए कुछ सोचिए, कुछ करिए। अपने समर्थकों से भी कहिए कि दिवाली पर पटाखे अगर बैन है तो न फोड़े। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों की तरह दिल्ली सरकार ने इस साल भी दिवाली पर पटाखों की बिक्री, ऑनलाइन डिलीवरी और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि वो NCR में शामिल दूसरी राज्य सरकारों से भी अपील करते हैं कि पटाखों को लेकर लाइसेंस जारी न करें। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली NCR के लोगों को साफ हवा मिले, इसीलिए पटाखों पर बैन का फैसला लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।